हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं दी कोरोना वायरस के बारे में। तो भैया, कोरोना जो वायरस है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव इन द सेंस कि भैया शेयर मार्केट को भी इफेक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा है, जीडीपी को भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं भैया कोरोना वायरस के सिम्टम्स, या फिर आसान भाषा में समझना चाहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं भैया शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, या आपके पास अगर कुछ शेयर्स है, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि भैया हमको सेल कर देने चाहिए या हमारे पास अभी रखने चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो जीनियस हैं, जो शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उन सारे लोगों की टिप्स आने वाली है इस वीडियो के अंदर। ऑफकोर्स मेरी भी आने वाली है, बट मैं जीनियस नहीं हूं, तो उन सब लोगों की टिप्स मिला के वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट तक देखना, लाइक पहले कर देना, और एक और बात, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना। गाइस, बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि भैया कोरोना वायरस है क्या, किस तरीके से फैलता है, क्या सिम्टम्स है, और फैलने के बाद आपको लगता है क्या इफेक्ट जरूरी है, क्या इफेक्ट हमारे लाइफ को ये करेगा या ना नहीं करेगा, क्या इसका इलाज पॉसिबल है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं, फिर शेयर मार्केट पे जरूर आएंगे कि शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे, मैं डेफिनेटली श्योर हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, और आप लोगों के शेयर जो है वो आप लोगों ने परचेस किए होंगे, बाय किए होंगे, और आपको पता नहीं होगा सेल करना या नहीं करना। तो कोरोना वायरस के ऊपर आते हैं, तो भैया ये जो वायरस है ये जितना आप लोग सोच रहे हो उतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब डेफिनेटली 30% ऑफ, एक जो सर्वे है उसके हिसाब से 30% ऑफ टोटल ग्लोबल जो पॉपुलेशन है उसको ये अफेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। 30% जो लोग जो अफेक्ट होंगे उसमें से सिर्फ 1% लोग की मैं बात करता हूं, सिर्फ 1% उनको जान का खतरा है भैया, मतलब उनकी लाइफ को डेंजर है। अगर आप, अगर आंकड़ों पे जाओ, कैलकुलेशंस में जाओ, तो मैं बात करता हूं, अब बात करता हूं मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन जो ये वीडियो देख रही होगी इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो भैया इसका जो ग्रोथ रेट है, यानी इसका जो डेवलप होने का रेट है, एक से दूसरे में फैलने का रेट है, बहुत ज्यादा कम है। क्यों यार, एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर हमें खांसी या जुकाम हो जाता है, तो खांसी जुकाम में क्या होता है कि वो एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन वहां पे हमारे मरने का, यानी कि हमारी डेथ का चांसेस होता है 0.01%। ठीक है, बहुत ही कम, यानी मिनिमम, यानी लेस, एक ऐसा समझ लेते हैं एकदम नगण्य, यानी कि कुछ भी चांसेस नहीं होते हमारे मरने के, लेकिन वो फैलता बहुत जल्दी है। कोरोना वायरस है, इसको फैलने के लिए 25 डिग्री का जो टेम्परेचर है, सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसे कम का टेम्परेचर चाहिए, और उससे कम का टेम्परेचर इंडिया में बहुत ही कम प्लेसेस है जहां पे पॉसिबल है। तो पहली तो ये चीज है, दूसरी जो चीज है, कोरोना वायरस एक से दूसरे में बहुत आसानी से नहीं फैलता है। ठीक है, बहुत आसानी से नहीं फैलता है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करके जरूर बोलेंगे, नहीं सर ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी फैल जाता है। तो भैया जो न्यूज है आप लोगों ने सुनी होगी, वो आपने सिर्फ रूमर सुनी है, कंफर्म्ड न्यूज या फिर जो आंकड़े होते हैं, जो एनालिटिक्स होते हैं और जो स्टैटिक्स होते हैं, उनके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। कोरोना वायरस एक से दूसरे में फैलने के लिए वो एक माहौल चाहिए, यानी कि मैं बात करूं तो एक एनवायरमेंट चाहिए, और वो इतना इजीली लोगों को नहीं, उस वायरस को नहीं मिल पाता है। वायरस को डेवलप होने के लिए, जो भी वायरस ऐसा होता है जो जान के लिए हमारे डेंजरस होता है, खतरा होता है, उसको फैलने के लिए काफी ज्यादा उसको इक्विलेंट एनवायरमेंट चाहिए होता है, जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो अभी तक केसेस मिले हैं कोरोना वायरस के, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हैं जहां से लोग बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर आए हैं, और जैसे इटली हो गया, जैसे मैं आप कुछ कंट्रीज के नाम बता देता हूं, इटली हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं वहां से जो लोग आए हैं, चाइना ऑफकोर्स, तो वहां के जो लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर आए हैं उनसे जो कुछ लोगों को अफेक्ट हुआ है, और फिर करके थोड़ा 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 फैल रहा है। लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है भैया कोरोना से, इसका इलाज पॉसिबल है। हाँ, जिसकी एज 45 से ज्यादा है, यानी 45 प्लस के जो एज है, जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, कमजोर होती है, उनको जरूर डरने का टेंशन है, उनको जरूर घबराहट जरूर हो सकती है। और उनकी अभी तक देखा जाए तो चाइना के अंदर जो पॉसिबल जितने लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से, या फिर पूरे ग्लोबली की मैं बात करता हूं, पूरे ग्लोबल में जितने लोग की डेथ हुई है कोरोना वायरस से इफेक्ट होने के बाद, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है, ज्यादातर 99% जो केसेस है वो 45 एज से प्लस में है। हाँ, बहुत कम केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत कम एज में होंगे, लेकिन उनको भी कोई बीमारी होगी डेफिनेटली, या फिर कुछ हार्ट इश्यूज, या उनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, दैट्स व्हाई उनको जो है इस तरीके की इश्यूज फेस करने पड़े, या फिर उनकी डेथ हो गई है। तो आपको पहली बात तो डरने की कोशिश नहीं, डरना ही नहीं है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है भैया, इतना जितना लोगों ने इसको बना रखा है उतना कुछ है नहीं है। ठीक है, इसका इलाज पॉसिबल है पहली बात तो, और इतना आसानी से फैलता भी नहीं है जितना लोगों ने इसका रूमर बना के फैला रखा है। तो एक और बात, अब जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो वीडियो का, उस पे आते हैं। तो यार स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट को क्या अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस, तो डेफिनेटली कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है।
कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यार जीडीपी जो है ना, अब देखो चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में हमारा जो स्टॉक मार्केट है ना वो कैसे काम करता है, वो काम करता है जब हम किसी कंट्री से लेन देन करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, तो उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। और भी देखिए वीडियो में ये जो चीज मैंने बताई है, इसको देख के काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें आपका जो कंट्री में एक दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर नहीं पड़ता, और भी चीजें जिसमें स्टॉक मार्केट चेंज होता है। डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू, मैं आप लोगों की बात से एग्री करता हूं, ऐसा भी है। लेकिन मैं अगर एक मेजोरिटी की बात करता हूं ना, तो अगर मैं बात करता हूं जैसे चाइना है, सबसे ज्यादा ड्रॉप चाइना में हुआ है लास्ट, अगर मंथ की बात करें फरवरी, तो वहां पे स्टॉक मार्केट पूरा ही गया भैया, डाउन ही हो गया है। अगर चाइना की बात करते हैं, और अगर मैं यूएस की बात करता हूं, यूएस मार्केट भी ठप पड़ा है लास्ट मंथ से। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर है वो क्या कह रहे हैं कि भैया अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, तो आपको करना क्या है, आपको उसे बेच देना चाहिए। अगर आपको एक चीज बताऊं ना, मैं पिछले सिर्फ लास्ट वीक की बात करता हूं, फरवरी के लास्ट वीक में टोटल 3 ट्रिलियन जो अमाउंट है, मनी है, डॉलर्स है, 3 ट्रिलियन डॉलर का जो शेयर्स है वो बेचे गए। इसका क्या मतलब है यार, लोगों को ना इनसिक्योरिटी हो रही है, इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि भैया जो इतना डाउन शेयर मार्केट चला गया है, अगर मैं अभी अपने जो शेयर्स है वो सेल नहीं करता हूं, तो मेरे पास जो अमाउंट है वो भी चला जाएगा, जितना मतलब मैं पूरा ही बर्बाद हो जाऊंगा, लोगों के मन में ये थॉट है। बट अब यहाँ पे एक स्मार्टली सोचते हैं भैया, हमारी तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, हमेशा से ही अलग है, और इसीलिए आप हमारे चैनल पे हैं। अगर कुछ अलग और हमेशा से कुछ नया सीखने की चाह रखते हो, इच्छा रखते हो, बाइनरी एंड फॉरेक्स मार्केट से भी शेयर मार्केट भी कंटिन्यू करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप जानने की इच्छा रखते हो, सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और कमेंट करा करो यार पैरी पैरी। तो अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो मैं जिस पॉइंट पे आपको फोकस करने का, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था कि यार देखो अफेक्ट जरूर किया है, पूरे ग्लोबली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है शेयर मार्केट को इस वायरस ने, बहुत ज्यादा लेन देन में। अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं। अगर मैं बात करता हूं बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर की बात करता हूं, वहां भी ट्रेवल अभी बंद है। तो इसी वजह से मैं आपको ये जो चीजें हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सा फोकस देने की कोशिश, ध्यान देने की कोशिश करना मेरा कहने का क्या मतलब है। एग्जैक्टली अगर आप दिमाग यूज करते हो ना, अगर आप ब्रेन यूज करते हो, तो इस वायरस का आप फायदा उठा सकते हो शेयर मार्केट के नजर से अगर मैं देखूं तो। कैसे यार भैया, आपको पता है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा डाउन है, बड़े बड़े जो ट्रेड्स हैं वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा अभी अनस्टेबल या बहुत ज्यादा अनस्टेबल चल रहा है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल अभी मार्केट चल रहा है। तो उसका इलाज क्या है यार, उससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं? तो भैया यार ऐसी कंपनी पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो ऐसी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिस पे आपको भरोसा है कि भैया अभी शेयर डाउन है लेकिन आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है ये अपने आप को रिकवर कर लेगी और उस मुकाम पे वापस पहुंचेगी जहां पे वो शेयर की वैल्यू 500 रुपए हुआ करती थी जो अब 10 रुपए पे है। तो डेफिनेटली ये चीज आपको दिमाग में, मुझे लगता है मैंने जो इशारा मेरा जो आप काफी सारे लोगों के जो समझ गए होंगे जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। बाकी जो सीरीज भी मैं लेके आऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीरीज आने वाली है जिसमें आप सारी नॉलेज गेन कर लोगे अबाउट शेयर मार्केट, डेफिनेटली बहुत आसान भाषा में। ऑफकोर्स चैनल जाना जाता है हमारी आसान भाषा में समझाने के लिए, तो आसान भाषा में आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है शेयर मार्केट से रिगार्डिंग। तो उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपके पास शेयर्स हैं अभी शेयर मार्केट में तो करना क्या है, देखो आपके ऊपर है क्योंकि कोरोना वायरस ज्यादा कितना अफेक्ट करेगा, मुझे नहीं लगता ग्लोबली जब तक वो 30% के रेशियो तक नहीं पहुंच जाता उससे पहले भी ये रुक सकता है। ऐसा नहीं कि ये फैलता ही जाएगा क्योंकि इसके पॉसिबल जो इलाज है वो अभी मिल चुके हैं, तो ये रुक। सो गाइस एग्जैक्टली जो मैं चीजें बता रहा था आपको कि यहाँ पे ये जो वायरस है इसे कभी भी इतना ज्यादा फैलने का जो ये लग रहा है इतना ज्यादा नहीं फैलेगा। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी आपको अवेयर कर रही है अलग अलग तरीकों से कि कोरोना वायरस से बचो और सारी चीजें। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बचो, आप पूरे प्रिकॉशंस लो और अच्छे से कोरोना वायरस से बचने के उपाय करो डेफिनेटली। बट इवन दो अगर मैं शेयर मार्केट पे आता हूं तो इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो आप, बहुत अच्छे से, क्योंकि शेयर मार्केट को ये कंट्रोल करके तो रख रहा है कोरोना वायरस, लेकिन इसको आप भी कंट्रोल कर सकते हो और यहां से फायदा उठा सकते हो। कैसे, ये आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ से पॉइंट कर रहा हूं।
और क्या जरूरत है, लाइक क्यों मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आप ऐसा बना सकते हो, क्योंकि बहुत लो रेट पे अभी आपको शेयर्स मिल रहे हैं, बहुत लो रेट पे आप चाहो तो उन्हें खरीद सकते हो और बहुत कुछ, लाइक आप उनके बढ़ने तक का यानी उनके प्राइस रेज होने तक का वेट कर सकते हो। यार मैं आपको इशारा काफी है मुझे लगता है, और लाइक एक मुहावरा है जो बहुत फेमस है कि समझदार इंसान को इशारा काफी है, डेफिनेटली। तो यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक और चीज, अगर आप शेयर मार्केट से जानकारी चाहते हो, शेयर मार्केट से रिगार्डिंग जानकारी चाहते हो, तो पूरी की पूरी सीरीज हम लेके आने वाले हैं शेयर मार्केट के ऊपर। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहीं पे देता हूं सबसे पहले, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अगर लिंक वर्क नहीं करता समहाउ, तो टेलीग्राम पे सर्च करना है टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली, और आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। और एक और चीज, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो यार, और आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस के लिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकता हूं। गाइज उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।